नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। मनदीप पुनिया को मिली जमानत। बिजली वितरण के निजीकरण की घोषणा से नाराज बिजली कर्मी करेंगे देशव्यापी हड़ताल। पूरे बजट में विनिवेश और सरकारी संपत्ति को बेचने पर जोर, आम आदमी को कोई राहत नहीं। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में करीब 9 महीने बाद 100 से कम लोगों की मौत। हमारी पहली खबर में हम आज बात करेंगे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया की, जिनको आज रोहिणी की एक कोर्ट ने जमानत दे दी है। 30 जनवरी को दिल्ली सिंगू बॉर्डर से गिरफ्तार किए जाने के बाद स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को रविवार को तिहाड़ कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि इसको लेकर भी पुलिस पर गंभीर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि मनदीप को कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। आरोप है कि पुलिस ने उनके वकील को पेशी का समय 2 बजे बताया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इससे पहले ही पेश कर दिया, जिससे उनके वकील मौके पर पेश नहीं हो पाए। मनदीप कारवा और जनपद के लिए लिखते हैं और वो पिछले 2 महीनों से लगातार किसान आंदोलन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कल किसान संगठनों ने एक प्रेस वार्ता में ऐलान किया कि इंटरनेट बैन, पत्रकारों पर हमले, गिरफ्तारियां और किसान आंदोलन पर दमन के खिलाफ 6 फरवरी को 12 से 3 बजे नेशनल और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। बिजली कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने कहा, केंद्र की निजीकरण नीति के खिलाफ देश भर में 15 लाख बिजली कर्मचारी 3 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि इसकी घोषणा कई दिनों पहले ही कर दी गई थी, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। AIPEF के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत अभियंता संघ के अध्यक्ष VP सिंह ने आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में बिजली वितरण के निजीकरण की घोषणा से बिजली कर्मियों में गुस्सा व्याप्त हो गया है और आयकर में कोई राहत न मिलने से भी भारी निराशा है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों का एकाधिकार समाप्त करने के नाम पर इस क्षेत्र में एक से अधिक बिजली वितरण कंपनियों के आने का साफ मतलब है कि वर्तमान में सरकारी बिजली कंपनियों के अतिरिक्त निजी कंपनियों को बिजली आपूर्ति का कार्य दिया जाएगा। शैलेंद्र दुबे ने रविवार को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, बिजली विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में अस्वीकार्य है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ रहा है। बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के संपूर्ण निजीकरण की घोषणा की निंदा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट पूरी तरह निजीकरण और कॉरपोरेट घरानों का बजट है। इस बीच उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद भी बजट को निराशाजनक बताया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऊर्जा नीति को लेकर कई ऐलान किए हैं। इससे पूरी तरह सिद्ध हो रहा है कि ऊर्जा क्षेत्र निजीकरण की तरफ बढ़ेगा, जो उपभोक्ताओं के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बजट में किए गए प्रावधानों से यह तय हो गया है कि केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र में निजीकरण पर आमदा है। उन्होंने कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने अगले 3 साल में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से पुराने मीटर बदलकर प्रीपेड मीटर लगाने की बात कही है, लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए था कि पूरे देश में स्मार्ट की मीटर की तकनीकी विवादों में घिरी हुई है, पहले इस मसले को सुलझाने की जरूरत है। बजट 2021 से 2022 को लेकर आम जनता की बड़ी उम्मीद थी कि उसे कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नहीं दिखा। ऐसा माना जा रहा था कि आर्थिक मंदी में लोगों के हाथ में पैसा देने के लिए उसके प्रत्यक्ष कर की दर में कटौती की जाएगी, लेकिन इस पर भी कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने अपने भाषण में सरकारी संपत्तियों को लगातार विनिवेश पर जोर दिया। किसान और किसानी को लेकर भी कोई बड़ी राहत नहीं दी गई, बल्कि कर्ज की सीमा और बढ़ाने का प्रयास किया। निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021 से 22 में एग्री क्रेडिट के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की, लेकिन देश भर के किसान लगातार पूर्ण कर्जा माफी की मांग कर रहे हैं, उस पर सरकार कोई बात नहीं कर रही। देश भर में किसान अपने फसल के उचित दाम के लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के लिए कार्यरत है।
ऐसी कॉमोडिटी के लिए किसानों को 1.5 गुना MSP दी गई, लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि किसानों का कहना है कि उसके फसल की उसे लागत भी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ किसानों की लागत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बीज, खाद और डीजल से लेकर सबके दाम बढ़ रहे हैं, उसके तुलना में उसके दाम नहीं मिल रहे। हर साल मोदी सरकार एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखती है। मुझे लगता है 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि हम 65,000 करोड़ रुपए इन डिसइन्वेस्टमेंट से लाएंगे, आया 50,000 करोड़। पिछले साल का 2,10,000 करोड़ लाएंगे, आया है 32,000 करोड़। ठीक है, इसपे वो कहेंगे कि कोविड था, बेच नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन इस साल 1,75,000 करोड़ फिर से लगाया गया है। क्या आपको लगता है, पहली बात है कि इसमें कोई प्लान है, कोई खरीदने वाला आदमी है, क्या ये हो सकता है? ये क्या अंत में वही होगा, किसी सरकारी कंपनी को बोला जाएगा कि आप लोग खरीद लीजिए दूसरे सरकारी कंपनी को, ताकि सरकारी सेक्टर से सरकार के हाथ में पैसे आ जाए? हाँ, पर मेरे ख्याल से इसमें एक जो नया एलिमेंट आया है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब इन्होंने आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम अनाउंस किया था तो पब्लिक सेक्टर के प्रति क्या अप्रोच होगा उसमें भी एक परिवर्तन किया था कि जिसे हम बहुत स्ट्रेटेजिक मानते हैं उसको छोड़ के हम बाकी क्षेत्रों से में पब्लिक सेक्टर से कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब इसका मतलब ये है, इसको आप इस नजरिए से देख सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो मुनाफा कमा सकते हैं, कमाते हैं जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है, अब एयर इंडिया तो नहीं बिक रहा है, आप उनको बेचने की कोशिश करें, LIC के शेयर बेचने की कोशिश करें, ये एक परिवर्तन की संभावना है। और सरकार की मानसिकता तो यही लगती है कि अब वो इन जो मुनाफा कमाने वाले पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनको बेचने का प्रयास करेगी, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे कहता है इन्वेस्टमेंट कीजिए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार बजट में कहती है हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है, आप उनको पब्लिक सेक्टर उनके हाथ दे दीजिए, वो नया नहीं बनाएंगे। अर्थव्यवस्था की असली जरूरत है कि आपके यहाँ प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ना चाहिए और रोजगार बढ़ना चाहिए और चीजों का उत्पादन होना चाहिए। ये क्या है कि जो है जो मुनाफा कमा रहा है आप उसको केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दीजिए, आप उनसे पैसा ले लीजिए पर आप भी मत कीजिए इन्वेस्ट। तो ये कौन सा स्ट्रेटेजी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया उसके भी बिल्कुल विपरीत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार यानी कि 2 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में आज एक सप्ताह बाद कोरोना के 10,000 से कम यानी 8,635 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से करीब 9 महीने बाद 100 से कम यानी 94 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 13,423 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 4,882 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,07,66,245 हो गई है, जिनमें से 1,54,486 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.04% यानी अब तक 1,48,406 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.51% यानी 1,63,353 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 39,50,156 लोगों की कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें 1,91,313 लोगों को वैक्सीन सोमवार यानी कि 1 फरवरी को दी गई थी। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश कोरोना की जांच के लिए अब तक 19,77,52,057 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 6,59,422 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज़ क्लिक के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। Facebook, Instagram और Twitter पे हमें फॉलो करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।